भोपाल के अशोका गार्डन थाने में हुए सुंदरकांड पाठ आयोजन को लेकर कांग्रेस पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। पुलिस की सर्विस बुक का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अशोका गार्डन थाने में हुए घटनाक्रम की जानकारी दी और वहां बाहरी व्यक्तियों की ओर से आयोजित किए गए सुंदरकांड पाठ पर आपत्ति जताई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि अगर थाने में इस तरह के आयोजन किए जाने की अनुमति है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के जन्मदिन और त्योहारों पर थाने में कार्यक्रम कराने के लिए अनुमति दी जाए। जो बातें करते हैं, भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ और मध्य प्रदेश में उनकी नीति अलग है, यहाँ 266 कर्मचारी और अधिकारी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त के मुकदमे हैं। ये सरकार अनुमति नहीं दे रही है वो चला रहे, सरकार की अनुमति के बगैर वो पेंडिंग पड़े हैं करप्शन के। इसका मतलब है कि करप्शन को सुरक्षा दे रही है बीजेपी की मोहन सरकार, इससे पहले शिवराज जी की सरकार। ये एक बार फिर प्रदेशवासियों, इनका चेहरा साफ हुआ, अब तो स्पष्ट हो गया है कि चोरी करो, करप्शन करो और सरकार उसको सुरक्षा देगी। ये बीजेपी के नेता और अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बीजेपी ने एक खुला फरमान कर दिया। और अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ गलत है तो मोहन सरकार इसी जब बैठी है 8 दिन के अंदर वो पेंडिंग जितने भी केस है उन पर अनुमति दे करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के, तो मानेंगे कि ये करप्शन के अगेंस्ट सरकार है, नहीं तो ये करप्ट सरकार है। वहीं कांग्रेस की शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने अशोका गार्डन थाना प्रभारी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के एक ज्ञापन दिया है जिसमें कल की घटना को लेकर के ज्ञापन, इसमें कल थाना क्षेत्र एक थाना स्तर पर इसमें एक अनुमति दी गई। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक कई जो धार्मिक स्थल इस तरह के स्थल थानों में मौजूद हैं, इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्ति को समानता अनुमति नहीं दी जाती। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई और इसे ये थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक ज्ञापन, दरअसल गुरुवार को कांग्रेस नेता अशोका गार्डन थाने में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन थाना परिसर में ही सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के लोग पहले से मौजूद थे और थाने के सामने ही भाजपाई और कांग्रेसी आमने सामने हो गए थे।